आरोप लगा रहा हूँ आपके सामने, लगाए आरोप खुलेआम, एक भी नर्स कंपाउंडर का काम नहीं हो रहा, 1% एक पैसा भी नर्स कंपाउंडर का काम आज तक नहीं किया। बहराराम चौधरी, प्रांतीय अध्यक्ष, राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन, प्रदेश संयोजक, राजस्थान आयुर्वेद संयुक्त संघर्ष समिति। हमारी ये मांग है, मेडिकल नर्सेज और आयुर्वेद नर्सेज के पहले वेतन मान समान थे 2013 तक। ये सरकार ने भटनागर कमेटी बनाई थी, उसमें हमको पीछे रख दिया, हमको तो दे दिया 3200 और 3200 से 3700 और मेडिकल को दे दिया 3200 से 4200, ये 700 रुपये का फर्क रख दिया। हम आयुर्वेद चिकित्सकों का, मेडिकल डॉक्टरों का वेतनमान समान है, परिचारकों का, बाबुओं का, सबका समान है, लेकिन आयुर्वेद कंपाउंडरों का वेतनमान मेडिकल से 700 रुपये पीछे रख दिया है। सेंट्रल में दिल्ली और डॉक्टरों का और आयुर्वेद चिकित्सकों का वेतनमान समान है, मेडिकल और आयुर्वेद कंपाउंडरों में 700 रुपये की भिन्नता कर दी है। योग्यता वेतनमान हमारा समान है, लेकिन ये डायरेक्टर की हठधर्मिता, ये आनंद शर्मा, ये बैठे साबलूस, ये कुर्सी के साबलूस, इन्होंने ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, नई प्रस्ताव भेज रहे हैं और बिल्कुल कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टरेट 2 साल से ठप पड़ा है, नर्सेज का या किसी का कोई अभाव भी हो, कोई कुछ निबड़ता ही नहीं, अभाव भी हो के बारे में ये कुछ बात ही नहीं करते हैं और कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, अपना टाइम पीरियड ये पूरा करना चाहते हैं। आपने आरोप भी लगा रहे हो? हाँ, आरोप लगा रहा हूँ आपके सामने, लगाए आरोप खुलेआम, एक भी नर्स कंपाउंडर का काम नहीं हो रहा, 1% एक पैसा भी नर्स कंपाउंडर का काम आज तक नहीं किया, एक भी अभाव भी हो इन्होंने निपटाया नहीं है, एक साल आगे हम आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अशोक जी से मिलेंगे, ये दो साल हुए हैं। तो आप आरोप लगा रहे हो अशोक गहलोत के ऊपर, हमारी कोई नहीं, अशोक जी पर तो हम पहले आचार संहिता लग गई थी तो मिले थे, उसके बाद में आचार संहिता लग गई तो वेतनमान का मामला है, तो आचार संहिता समाप्त होने के बाद में अशोक जी से मिलेंगे, अशोक जी हमारे मुख्यमंत्री है। आज की मीटिंग में आपके कौन कौन अधिकारी बैठे हैं? आज के मीटिंग में सीनियर लता जी पवार हमारा डायरेक्टर है, ये आनंद जी शर्मा है, ये हाँ अतिरिक्त निदेशक है, लेकिन ये काम के कुछ नहीं है, झुंझुना ये कुछ नहीं है, ये पोस्ट टाइम भरी हुई है, अपना टाइम पास कर रहे हैं, चिकित्सक वर्ग का काम निकाल रहे हैं, कंपाउंडर को मार रहे हैं, परिसार को मार रहे हैं, लिपिक वर्ग को मार रहे हैं, अपने वर्ग का पक्षपात करते हैं चिकित्सक वर्ग का। आज जो राजस्थान सरकार, माननीय अशोक गहलोत जी को मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सरकार के आते ही और चुनाव आचार संहिता के चलते हमारे कर्मचारियों की सुनवाई करके इस तरह से संदेश दिया है कि कर्मचारियों की हित से सरकार रहेगी। सबसे पहले तो मैं दुख इस बात पर प्रकट कर रहा हूँ कि अधिकारियों की अंधेरगर्दी की चलते हमारा वेतनमान मेडिकल नर्सेज के बराबर आयुर्वेद नर्सेज का नहीं हुआ, इसके लिए सीधे सीधे अधिकारी दोषी। साथ ही केडर रिव्यू का लाभ अन्य विभागों को दे दिया गया लेकिन हमको नहीं दिया गया, ये भी अधिकारियों की मिली भक्ति है और हम चाहते हैं, और माननीय गहलोत जी के आदेश से आयुर्वेद निदेशक की अध्यक्षता में समिति गठित की है, ये समिति जोरदार रिपोर्ट देगी और माननीय गहलोत जी जल्द ही हमें आयुर्वेद नर्सेज के जो 2013 से वेतनमान अंतर कम हो गया था उसको सही करते हुए हमें कर्मचारियों को सौगात देगी, और हम उम्मीद करते हैं कि DC सामंत पर भी दबाव बनाएंगे। और ये भी सर, मीडिया कर्मियों से क्यों दूरी बनाए रखी जा रही है आज? इसलिए कि उनकी कमियां ना उजागर हों। काफ़ी समय से जो आज लीपापोती चली आ रही थी,
2013 से आज तक जो वेतनमान मेडिकल नर्सेज के बराबर आयुर्वेद नर्सेज का हो जाना चाहिए था, उस बात को लेकर आज हम लोग आक्रोशित हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि माननीय अशोक गहलोत जी कर्मचारी हितैषी सरकार है, चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार कार्य करेंगे और उनके ही आदेश पर आज ये मीटिंग आयोजित की गई। विभाग के अधिकारी को मालूम नहीं समिति के बारे में? उनको अच्छी तरह से मालूम है जी। और वो क्या गुमराह कर रहे हैं आपको? ना, अभी तो चर्चाएं चल रही हैं, गर्मा गर्म आप सुन रहे थे जी। हम अपना जोरदार ढंग से पक्ष रख रहे हैं और इनसे उम्मीद करते हैं कि हम इनकी बात को उजागर करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा पर घेराव करेंगे और इनकी अंधेरगर्दी और लापरवाही के लिए जमकर लड़ाई लड़ते हुए केंद्र और राजस्थान सरकार के वेतनमान एक हों। हमारा हमेशा एक ही नारा रहता है, दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान। आपका नाम? ब्रजमोहन शर्मा, प्रदेश संयोजक, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग संघ।